जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़े समय पहले कि 8 बजे आज लाइव रहूँगा। 19 अगस्त को जो भीम आर्मी के तत्वाधान में भीम आर्मी के आह्वान पर जो देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन मार्ग पर जो एक विशाल प्रोग्राम हुआ, हमारे जो 2 अप्रैल के शहीद थे उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए, या उनके जो जो साथी जेल गए थे उनको सम्मान उनके परिवारों को सम्मानित उनको सम्मानित करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे उस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, लगभग देश के 27, बिहार से, जो भीम आर्मी के जिला क्या नाम है जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे, भीम आर्मी कार्यकर्ता पहुँचे, मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके लिए सलूट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके समाज के हक हकूक की इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए पहुँचे। दूसरा, उन परिवारों को, उन शहीदों को भी नमन करता हूँ, उनको भी याद करते हुए अपनी बात आज प्रारंभ करता हूँ। और मैंने जैसा कि बताया था कि 19 तारीख के प्रोग्राम की अपार सफलता के बाद में किन लोगों के पेट में दर्द है, आखिर और वो दर्द का कारण क्या है। दोस्तों, कुछ लोग ये जान सोच रहे थे घरों में बैठ करके, एसी में बैठ करके, काजू पिस्ता बादाम खाते हुए सोचने की सोच रहे थे कि इस प्रोग्राम में कितनी भीड़ होगी, लेकिन जब वहाँ पर आप सब लोगों की मेहनत से और हमारे जो बड़े भाई बालकराम बोस जी हैं उनके सुपरविजन में वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचे, तो लोग ये सारा करिश्मा देख करके सन्न रह गए। और जब भी वहाँ पर ये सारा इतने सारे लोग पहुँचे उनको देख करके सन्न रह गए, तो अब उनके पेट में दर्द इस बात का है कि उनके बुलावे पर 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग वहाँ पहुँचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 लोग पहुँचते हैं। लेकिन भीम आर्मी के बारे में अभी जो पिछले 2-3-4 महीने से पहले 18 जून से अब तक जो बातें चल रही थी, लगभग 1 साल के बाद में 18 जून में एक सफल प्रोग्राम हुआ, 21 मई में एक सफल प्रोग्राम हुआ, 1 साल के बाद में अब ये दो तीसरा प्रोग्राम बड़ा विशाल सफल प्रोग्राम हुआ जो सरकार पर दबाव बनाने में भी कहीं ना कहीं कामयाब रहा। तो 1 साल के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बातें कर रहे थे कि भीम आर्मी का जलवा खत्म हो गया, चंद्रशेखर को कोई नहीं पूछ रहा, या फिर ये कहिए कि भीम आर्मी नाम के संगठन में मतलब इस तरीके से आंदोलन होते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनको उनके लिए एक सबक है कि भीम आर्मी को 1.5 साल 2 साल पहले भी लोग प्यार करते थे, आज भी लोग प्यार करते हैं, भाई चंद्रशेखर को कल भी लोग प्यार करते थे, आज भी लोग प्यार करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप निस्वार्थ रूप से समाज के लिए काम करोगे तो समाज आपको प्यार करेगा, व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप काम करोगे तो समाज हो सकता है आपको प्यार ना करे। दूसरी चीज, ये कौन से लोग हैं जिनके पेट में दर्द है कि ये क्या नाम प्रोग्राम सफल क्यों होगा, ये वो लोग हैं जो हमेशा एक तरीके से ये चाहते रहे हैं कि भाई हमारा नाम होना चाहिए, हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग इतने समाज से काम कर रहे हैं, हमें 20 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, हमें 30-40 साल हो गए, हमारा नाम क्यों नहीं हो रहा है। ये चंद दिनों के लड़के आकर के इन्होंने ये संगठन बना करके भीम आर्मी नाम का संगठन बना करके ये इनके पीछे दुनिया क्यों चल रही है। तो मेरा उन सभी प्रबुद्ध साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग निश्चित रहिए, अगर आपने सही दिशा में काम किया होता, समाज के लिए काम किया होता, मिशन मूवमेंट के लिए बाबा साहब बुद्ध कबीर नानक रैदास की विचारधारा के लिए काम किया होता, तो आज सही माने में आपका नाम होता। लेकिन चूंकि आपने कहीं ना कहीं अपने लिए काम किया, बाबा साहब बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले के लिए काम नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं है, या आपके साथ आज भी बुलाने के बावजूद भी लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। आज भीम आर्मी के लिए लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको लोगों को उम्मीद है कि ये हमारा एक ऐसा संगठन है जो हमारे हक हकूक की लड़ाई सही मायने में लड़ रहा है। तो ये तो जवाब उन लोगों के लिए हो गया जो लोग जिनके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात हो गई कि प्रोग्राम सफल जो हुआ है उसके लिए मैं कुछ लोगों के को साधुवाद करना चाहता हूँ। शामली अपने जो सहारनपुर के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं कमल सिंह बालिया साहब, मैं सलूट करता हूँ उनको कि पूरे उनके नेतृत्व में सहारनपुर से 4 ट्रेनें भर करके इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुँची। दूसरी तरफ हमारे महक सिंह, हमारा छोटा भाई है जो उत्तराखंड का प्रभारी है भीम आर्मी का, वो भी 30-40 बसें भर करके वहाँ से लेकर के आए, तो उनको भी मैं सलूट करता हूँ। भाई नीटू और भाई मेहरदास जी, अनेकों साथी हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, मैं उन सारे साथियों को सलूट करता हूँ। दिल्ली के जो हमारे प्रभारी हैं भीम आर्मी के, हमारे अजीज मित्र हैं एडवोकेट भाई सुरजीत सम्राट जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के गली गली कोने कोने से लोग झंडे, नीले झंडे लेकर के आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उस इन सब लोगों को मैं सलूट करता हूं, भीम आर्मी के उन कार्यकर्ताओं को सलूट करता हूं। लेकिन इनसे सबसे बढ़ करके अगर इन सारे लोगों को एक साथ लेकर के कोई चल रहा है, इन सारे लोगों को लेकर के एक नाम में बिठा करके कोई चल रहा है, आंदोलन को सफल बनाने के लिए कोई चल रहा है, तो मैं वो एक नाम लेना चाहता हूँ, बड़े भाई बालकराम बोस जी का, जिनके सुपरविजन में ये प्रोग्राम सफल हुआ और उनके सुपरविजन में एक यहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन जो हुआ। और इसी के साथ साथ मैं मंच संचालन के लिए भाई सुरजीत सम्राट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुपर क्या नाम है मंच संचालन किया, इसके लिए उनका साधुवाद है।
दूसरी चीज़ यह है कि आप बहुत सारे लोगों की जय भीम नमो बुद्धा, बहुत सारे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, हमारे साथी हैं नरेश बलदेव जी, वो भी पूछ रहे हैं, जो क्या नाम है, शिक्षक हैं, और शिक्षक के साथ साथ वो एक पूर्व में मिस्टर इंडिया भी रहे बॉडी बिल्डिंग में, उनको सलाम है सर, जय भीम नमो बुद्धा है, और बहुत सारे साथी हैं। तो मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सुपर संचालन रहा भाई सुरजीत सम्राट का, जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। मैं भीड़ में था पहले, जब तक कम भीड़ थी, फिर मैं डी के अंदर आ गया तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राहुल जी आप इस बार मंच पर क्यों नहीं है। मैं कहा इस बार हम मंच पर नहीं है, ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। मंच पर कौन है कौन नहीं है ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। कौन भीड़ में है, कौन डी में है, कौन बी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में, कौन मंच पर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमको कम से कम सरदारों से, पंजाबियों से इतना सीख लेना चाहिए कि जब उनका कोई प्रोग्राम होता है तो वो अपना ओहदा, अपना पद, अपनी सारी चीज़ें, अपना अहम घर त्याग करके गुरुद्वारे में झाड़ू लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रोग्राम जो था, ये हमारा अपना प्रोग्राम था, हमारे समाज का प्रोग्राम था, बाबा साहब का प्रोग्राम था, और राहुल नागपाल की नहीं, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है कि जो कम से कम बाबा साहब को मानता है उसको ऐसे प्रोग्राम में समाज की हकाकू की लड़ाई में जाना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए। और मैं बिल्कुल सलूट करता हूं सारे लोगों को जो वहां पर पहुंचे। और मंच पर तो ऐसे लोग भी थे जिनका मतलब प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। तो मंच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम तो पूरे साल मंच पर ही रहते हैं। लेकिन पूरी मैं बहुजन मीडिया को भी सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। बड़े हमारे बड़े भाई अजीज मित्र हैं समतावास टीवी चैनल के, मनोज अंतानी जी, उनको भी सलूट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का प्रचार प्रसार किया है। मैं नेशनल टाइम्स के तेजेंद्र भाई को भी सलूट करता हूँ, उनका भी बड़ा योगदान रहा है, और तमाम मीडिया, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है जो हमारा बहुजन समाज का मीडिया है। तो ऑल ओवर मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। जो लोग नाराज़ हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नाराज़गी बंद कीजिए, समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम कीजिए, और जब आप काम करेंगे तो आपका नाम हो जाएगा। आज की तारीख में चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी एक ब्रांड है, आप उसका क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप उसके साथ रहिए। हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके समाज का काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कम 2019 में इस दलित मुस्लिम विरोधी योगी मोदी सरकार को हटाने में कामयाब रहेंगे। मैं पुनः बड़े भाई बालक राम बोध जी का और पूरी बड़े हमारे अजीज मित्र सुरजीत सम्राट जी का, मीडिया के सारे साथियों को प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये अपनी एक बात अपने तरीके से प्रोग्राम को सही तरीके से ला करके और एक को समाज को एक और सरकार को मैसेज देने का काम किया। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।